हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर, आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 91 क्वेश्चन हो गए, आज 92 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रोराटा बेस्ड है, आपको याद हो मैंने बताया आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे ही प्रोराटा बेस्ड के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम। ये नहीं बता रहा कितना प्रीमियम है, ये खुद फाइंड आउट करना होगा, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी आज आपकी। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹60 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। टोटल कंपनी ने फाइनल कॉल तक ₹120 कॉल किया है। फेस वैल्यू कितनी बता रहे हैं 100 रुपी, तो 20 रुपी का प्रीमियम है, अंडरस्टूड होना चाहिए ये आपको। तो ये याद रखोगे कि जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा प्रीमियम का अमाउंट आपको बताए, इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दो, जितना अमाउंट बनता है उसमें से फेस वैल्यू को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आया वो प्रीमियम है। अब ये टोटल बन गया 1,20,000 जो कॉल किया, फेस वैल्यू उसकी 100 दे रखे था, 20 रुपी प्रीमियम हो गया जो कि अलॉटमेंट में इंक्लूड है वो लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर वर रिसीव्ड, ओवर एप्लीकेशन आई है 40,000 की, 80 इशू करने जा रहे थे बट एप्लीकेशन कितनी आ गई 1,20,000। कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोडेटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और अलॉटमेंट जो है प्रोडेटा बेस पर हुई है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है वो सारी अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगी। सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, सीताराम कोई शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया 6,000 शेयर के लिए, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी फेल कर दी। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था जिस स्टेप पर फेल करेगा तो समझ लेना उसके नेक्स्ट की भी फेल हो गई उससे। एंड हरनाम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर, और हरनाम कोई शेयर होल्डर है जिसने 800 शेयर फेल कर दिए। शेयर ऑफ सीताराम एंड हरनाम वर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। 4,200 ऑफ दीज शेयर, इनमें से टोटल जितने भी शेयर बने दोनों के मिलाकर 4,200 शेयर को रीइशू कर दिया ₹4 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। द रीइशू शेयर इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ हरनाम, जो हमने रीइशू करे 4,200 उसमें हरनाम के तो पूरे शेयर है और रेस्ट जो बचे हुए शेयर हैं वो सीताराम के हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सरगम लिमिटेड, और हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, कैसे करते हैं देखते जाओ। क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं जो ऑफर करे थे आपने 80,000, यानी कि कंपनी अलॉट 80,000 कर सकती है। एप्लीकेशन कितनी आ गई मोर देन 80, यानी कि 1,20,000 आई, 40,000 एक्सेस आई है जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी, क्लियर है। तीन इंस्टॉलमेंट है, 20 रुपी, 60 रुपी और 40 रुपी, तीनों इंस्टॉलमेंट आपको बता दिया तो 120 बनता है, तो 20 रुपी प्रीमियम है जो कि क्लियर मेंशन है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। यहां पर आओ, ये सीताराम है, ये 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करता है और ही इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये क्लियर मेंशन है। क्वेश्चन में तो खाली अलॉटमेंट लिखा था, लेकिन जब वो अलॉटमेंट फेल करता है तो समझ लेना कॉल भी फेल हो गई उससे। इसके क्या निकालने पड़ेंगे अच्छी तरह से नोट करो, इसके अलॉटेड शेयर निकालने होंगे, एक्सेस मनी भी निकालनी होगी। मैंने आपको बताया था जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट है और कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल करता है तो एक्सेस मनी तो निकलेगी, लेकिन इसके ये भी निकलेंगे कि इसको कितने शेयर कंपनी ने दिए थे, तो इसकी एक्सेस मनी निकालेंगे। इसके अलॉटेड दे रखे और क्या फेल करता है फाइनल कॉल, इसके कोई एक्सेस नहीं निकलेंगे। मैंने आपको बताया एक्सेस किसके निकलते हैं, जिसने अलॉटमेंट फेल कर रखी हो जब प्रोरेटा अलॉटमेंट होगी। उसके बाद कह रहा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड, दोनों शेयर को फॉरफिट कर लिया और बाद में रीइशू कर दिया 100 रुपी में, जो कि कितने शेयर को किया ओनली 4,200 शेयर, जिसमें फुल शेयर ऑफ हर नाम के तो पूरे हैं, तो ये तो आप रीइशू के टाइम पे करेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे जिससे हम उसके अलॉटेड शेयर निकाल लाएंगे, किसके सीताराम के। तो ये तो जब अलॉटमेंट की एंट्री आएगी तब करते हैं ये वर्किंग्स। तो ये एक तरीके का समरी बन गई क्वेश्चन की, अब आप यहीं से देख के सारा क्वेश्चन करते चले जाओगे। देखो पहली एंट्री पास करो बैंक एप्लीकेशन की, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट जरा बहुत ध्यान से देखना कितना आएगा, जितनी एप्लीकेशन आई है उतने से आएगी पहली एंट्री जो बैंक वाली है, क्योंकि मनी कंपनी के पास 1,20,000 शेयर की आ गई, इनटू करो एप्लीकेशन मनी 20, तो ये करोगे तो 24 लाख बनेगा, लिख दो या लिखो। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स,
अब करते हैं इस मनी को ट्रांसफर शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट में। अब उसको देखो क्या बनती है। लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो प्लेन एंट्री है, याद रख लो। हर स्टेप सोच के करो। यहां लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मनी ट्रांसफर हो रही है शेयर कैपिटल में, और कितने शेयर से होगी ये भी याद रख लेना, एक्चुअल शेयर से। जितनी एक्सेस आई है वो एडजस्ट होगी कहां पर, अलॉटमेंट। लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अंदर कितना आएगा 24 लाख। ये कैसे आया, वैसे तो ये देखो ये यहीं से हुआ, लेकिन फिर भी यहां लिख लो कितनी एप्लीकेशन आई थी, 1,20,000 × 20। जितना भी मैं ये कैलकुलेशन अंदर ब्लू से कर रहा हूं, ये आपने करनी नहीं है, समझाने के लिए आपको बस। शेयर कैपिटल में एक्चुअल शेयर जो कंपनी ऑफर करने जा रही थी कितने करने जा रही थी, ये देखो लिखी 80, ये लिखो यहां पर 80,000 और इनटू कर दो 20 की एप्लीकेशन है, तो ये तो बन जाएगा 16 लाख। लिखो उसके बाद कितनी मनी एडजस्ट करने जा रहे हैं हम, 40,000। कैसे पता चली, ये 120 आ गई एप्लीकेशन और शेयर कितने दे रहे हैं हम, बस 80, तो 40,000 की एक्सेस मनी आई है जो कंपनी रिफंड नहीं करती, याद रख लेना। या तो क्लियर मेंशन हो कि कंपनी ने ओवर एप्लीकेशन को रिफंड कर दिया, क्लियर लिखा था कि प्रोरेटा अलॉटमेंट है और जो एक्सेस मनी आई है वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे, ना भी लिखा हो क्वेश्चन में तो याद रख लेना एडजस्ट करते हमेशा अलॉटमेंट पे। या लिखो 40,000 और इनटू करो 20, कितना बनेगा 8 लाख। ये तो ये होगी और इसकी नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट जो बनती है ध्यान रख लो एक्चुअल शेयर से बनती है। जितनी एप्लीकेशन आई थी वो कितनी आई थी, 120, उनका लिंक बनता है बस एप्लीकेशन से। उसके बाद तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी यानी कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल, वो सारी एक्चुअल शेयर से बनेगी। अब क्या बनती है एंट्री नोट करो, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी किसी को ना याद हो रही हो तो अभी आपको यहां इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री है, क्यों ड्यू की है वो भी बता देता हूं, और यहां लिख दो क्योंकि प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट चेक करो कैसे आएगा, अब नोट करना अच्छी तरह से। देखो अलॉटमेंट एक्चुअल शेयर, एक्चुअल है अब हमारे पास 80,000, इनटू करो 60, कितना बन जाएगा 48 लाख। ये तो इसमें लिख दो, शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर कैपिटल यानी कि जो प्रीमियम का पार्ट है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में, और जो बचा हुआ पार्ट है शेयर कैपिटल में, टोटल 60 रुपये है जिसमें 20 रुपये का प्रीमियम है। कैसे पता चला, ना बना यहीं से चेक कर लो, 120 तो शेयर की कॉस्ट तो कितनी बता रखी थी 100, तो 20 रुपये तो प्रीमियम है, वो तो प्रीमियम में लिख दो, 80,000 इनटू करो 20, ये बन जाएगा 16 लाख। लिख दो यहाँ पर, बच कितना गया अब आपके पास 40 रुपये, ये इसमें आएगा 40, ये बनेगा 32 लाख। लिख दो यहाँ, ये चीज क्लियर है, ये ड्यू की एंट्री है और इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट बनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स। अब ये देखो किसी को ये एंट्री में प्रॉब्लम भी हो, एप्लीकेशन की याद रख लो बस, क्या लिखी थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, याद है। यदि ओवर है तो प्रीमियम या अलॉटमेंट लिखते हैं क्योंकि एडजस्ट कर गए। अलॉटमेंट कैसे बनती है इसी को देखते हुए देखो, पहले क्या है एप्लीकेंट अप्लाई करता है इसलिए बैंक की एंट्री पहले आएगी। जब शेयर उसको अलॉट हो जाएगा, जब वो मेंबर बन जाएगा, तो उससे जब कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगती है तो डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, पहले उसको मैसेज कन्वे करते हैं, उसी को बोलते हैं ड्यू की एंट्री। फिर वो कुछ डेज के बाद आपको क्या करेगा, पे करेगा जितना कंपनी ने उसको टाइम दिया होगा, 10 डेज का, 14 डेज का, लिखा होता है क्वेश्चन में कि इतने दिन के अंदर आप अपनी मनी पे करो अलॉटमेंट की, तो बैंक की सेकंड पे आएगी। ऐसी कॉल की बनती है। याद करने की टेक्निक बता देता हूं, बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या लिखा था यहां एप्लीकेशन, अलॉटमेंट लिख देना। ये वाली एंट्री फर्स्ट नंबर पे आएगी, क्या लिखा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हटा दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख दो, टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो अलग से दिखा दो। क्लियर हो गया। अब करते हैं बैंक की एंट्री जिसके लिए वर्किंग में चलना पड़ेगा, कैसे करते हैं देखते जाओ। यहां पहले एंट्री लिख लो आप, अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे क्यों, पता नहीं अमाउंट कितना आएगा, वहां से पता चलेगा। और टू करो यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रोरेटा बेस पर है, वर्किंग्स बनानी पड़ेगी और मैंडेटरी है, याद रख लो। ध्यान रख लो यहां तक का पार्ट कोई मैंडेटरी नहीं है, ये फार्मूला अप्लाई करना इट इज द मैंडेटरी, क्योंकि इससे क्या निकालने जा रहे हैं, सीताराम के अलॉटेड शेयर। सीताराम के क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, अप्लाइड दे रखे हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए उसको कंपनी ने दिए कितने थे, फिर ये पता होगा कि उसने फेल कितनी करी अलॉटमेंट बनी, तो ये फार्मूला लगा दो कैसे लगता है, बहुत आसान है। क्या दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू सीताराम। यहां लिखो अलॉटेड लिखा हुआ है, क्या चीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अलॉटेड, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा न्यूमिनेटर में, टोटल अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी। अच्छी तरह से याद कर लो, जो फाइंड आउट करोगे वही ऊपर लिखोगे, टोटल
उसको डिवाइड करो टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी और इनटू कर दो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय सीताराम। अब ये देखो यहां निकलते हैं सीताराम के शेयर, यहां जरा चेक करें तो टोटल कितना था, क्या चीज लिखना था ऊपर, अलॉटेड कितने हैं 80,000 याद रख लो, टोटल अप्लाइड कितने हैं 1,20,000, बहुत आसान है, इनटू करो 6,000 करोगे तो 4,000 आ जाएगा और ये 4,000 क्या आ गया, अलॉटेड शेयर आ गया टू सीताराम, याद रख लो निकल गए या नहीं, ये अलॉटेड शेयर आए हैं, ये इस फॉर्मूले से निकलेंगे। अब जो है इससे क्या पता चलता है कि उसकी एक्सेस मनी आई हुई है कंपनी के पास, कैसे पता चला, मांग कितना रहा था वो हमसे 6,000 यानी कि कंपनी से, कंपनी ने अलॉट कितने कर रखे हैं बस उसको 4,000 क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट है, और प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब ये है कि जितने शेयर वो उसको दे रखे हैं उसने मांग जो रखे होंगे कंपनी से ज्यादा मांग रखे होंगे और उसने मनी भी कंपनी को ज्यादा दे रखी है, वही निकालना है हमें, यहाँ निकालो, यहाँ लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सीताराम ऑन एप्लीकेशन, कैसे निकलेगी नोट करो, अब ये रही एक्सेस मनी, वो 6,000 के लिए मांग रहा था, कंपनी ने उसको दिए 4,000, तो 2,000 की उसकी एक्सेस मनी आई हुई है, 2,000 उसको शेयर दिए नहीं लेकिन मनी आई हुई है, मल्टीप्लाई करो उसको किससे 20 से जो एप्लीकेशन का रेट है, इसका मतलब उसकी एक्सेस मनी कितनी आई हुई है 40,000 हमारे पास आई हुई है, ध्यान रख लेना सीताराम की ये एक्सेस मनी है जो कि एडजस्ट होगी, याद रख लो कहां पर एडजस्ट होगी, अलॉटमेंट पर ये एक्सेस मनी। अब उसकी तरफ ड्यू करेंगे सीताराम की तरफ कि उसका कितना ड्यू करा, लेकिन ये दिमाग में लगा लो कि उसके 40 तो ऑलरेडी आए हैं तो वो 40 अलॉटमेंट पे देगा नहीं क्योंकि एडवांस दे चुका है, उसी को एक्सेस मनी बोलती है। अब यहां लिखो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाई सीताराम ऑन अलॉटमेंट, ये अच्छी तरह से नोट करना। अब ये देखो क्या लिखा है हमने अमाउंट ड्यू, अब उसका चेक कर रहे हैं कि कितना था और वो जो उसने फेल करा, अब उसके शेयर याद रख लेना 6,000 नहीं है 4,000 है, 6 तो वो डिमांड कर रहा था कंपनी से, कंपनी ने दिए कितने थे ओनली 4,000 ये जो हमने निकाल लिए, तो जितनी भी कॉल बनेगी 4,000 से बनेगी ध्यान रख लो, और फोरफिट भी होगा अब ये तो 4,000 शेयर होंगे, 6 से कोई वास्ता नहीं, 6 से तो बस इतना निकाल लिया 6,000 से कि एक्सेस मनी कितनी आई, 4,000 इंटू करो या 60 कितना बनता है 2,40,000, ये तो ड्यू बना, और यहां से माइनस करो एक्सेस मनी जो ऑलरेडी आई हुई है उसकी तरफ कितनी आई हुई है एक्सेस मनी वो भी लिख लो, माइनस कर रहे हैं हम क्योंकि वो तो मिलनी नहीं हमें उससे, वो तो उसने पहले ही पे कर रखी है हमें एक तरीके से, कितना फेल कर गया देखो ये रहा, ये 2,00,000 रुपी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट लिख दो यहाँ, ये फेल्ड अमाउंट हुआ उसका, यही निकालना था हमें, समझ गए या नहीं, बहुत आसान है याद रख लो, पहले क्या निकालने हैं उसको कितने शेयर अलॉट करे, क्यों निकालने हैं क्योंकि उसके अप्लाइड दे रखे थे, फिर उसकी एक्सेस मनी निकालो, एक्सेस मनी कैसे निकालोगे, ये जो दोनों शेयरों का डिफरेंस कर दो, कितने मांग रहा था 6,000 की डिमांड कर रहा था, अप्लाई करें उसने 6 लेकिन कंपनी ने अलॉटमेंट कितनी करी 4,000, तो 2,000 हमारे पास है, 2,000 इंटू 20 करो 40,000 उसका एडवांस आया हुआ है, अपने आप को ये मान के चलेंगे कि हम ही कंपनी है हम दे रहे हैं, तो सीताराम को हमने कम दे रखी है 4,000 ही दे रखी है। अब उसके बाद हमने उसका ड्यू करा, जब अलॉटमेंट बनती है तो उसकी तरफ बनता तो 2,40,000 है लेकिन 40 तो वो देगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी एडवांस दे चुका हो कंपनी को, 40 माइनस कर दो कितना पे करेगा 2,00,000, बट उसने फेल कर दिया तो 2,00,000 ही फेल हुआ, तो 2,00,000 यहां से माइनस कर देंगे। अब कितने की बनी थी देखो 48,00,000 रुपी का ड्यू बना था, ध्यान रख लेना, पहले तो माइनस करो जो एडजस्टेड अमाउंट है, देखो 8,00,000 ये भी माइनस होगा क्योंकि ये तो सभी शेयर का आया हुआ है, 8,00,000 माइनस करो, 8 के बाद माइनस करो जो फेल्ड अमाउंट था, क्लियर है, 240 मत माइनस कर देना कहीं, आप सीधा करो 4,000 इंटू 60 करके कि 2,40,000 माइनस करो, प्रोरेटा है, प्रोरेटा में क्या है जो एक्सेस है वो माइनस होके आएगा, वो वर्किंग में कर दिया हमने, अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 38,00,000 आ जाएगा, ये लिख दो यहां, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है। अब इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स मनी, तो ये क्लियर हो गया। अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री और फिर फॉरफीचर और री इशू, कैसे करते हैं देखते जाओ, यहां लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट से ही बनती है याद रख लेना मैंने आपको बताया, अच्छा एक ही कॉल है तो साथ में वर्ड जोड़ दो फाइनल कॉल, याद रख लो आज के बाद कोई कॉल नहीं बननी, ये लास्ट कॉल है, और टू करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
बननी एक ही कॉल है कंपनी में, ये रही 40 रुपए की। और किससे बननी है ध्यान रख लो, गलती मत कर देना, 120 से कोई लिंक नहीं है अब, 120,000 से खाली लिंक था एप्लीकेशन मनी पर। अलॉटमेंट जो बनी थी 80,000 से, फाइनल कॉल जो बनेगी वो भी 80 से। लिखो यहां पर 80,000 कितने की है, फाइनल कॉल नोट करो 40 रुपए की, लिख दो यहां 32 लाख, ये ड्यू की एंट्री है याद रख लेना। कंपनी मैसेज कन्वे कर रही है अपने शेयर होल्डर को कितना ड्यू हो गया। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल ऑन 80,000 शेयर्स। अब करते हैं इसको रिसीव करने की एंट्री, ये तो ड्यू की एंट्री थी। और दो शेयर होल्डर फेल करते हैं ध्यान रख लेना, सीताराम तो फेल कर गया, अलॉटमेंट ही फेल थी तो कॉल अंडरस्टूड है फेल हो गई। हरनाम जो है लिखा हुआ है क्लियर कि हरनाम ने फाइनल कॉल फेल करी। हरनाम के लिए हमें कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, एक तो अलॉटेड शेयर, नंबर दो उसने अलॉटमेंट फेल ही नहीं करी। ये कैलकुलेशन किसके लिए जरूरत पड़ती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए पड़ती है जिसने अलॉटमेंट फेल कर रखी हो। कभी कभी इसकी जरूरत कहां पड़ती है, एक्सेस की नहीं, एक्सेस तो ये है, कभी कभी जरूरत क्या पड़ती है, उसने कॉल फेल कर रखी अलॉटमेंट नहीं लेकिन उसके अप्लाइड शेयर दे रखे हो तो अलॉटेड निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूले से अलॉटेड निकाल लो, तब भी एक्सेस नहीं निकालेंगे मनी। एक्सेस खाली किसकी निकालेंगे, ध्यान रखना जिसने अलॉटमेंट फेल कर रखी है प्रोरेटा के केस में। या लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, हर स्टेप सोच के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी याद रखना। टू करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी अच्छी तरह से नोट करना, अब कैसे आएगी। अमाउंट चेक करो, टोटल 32 लाख तो कॉल करने जा रहे हैं, उसमें पहली बात तो सीताराम फेल करता है, ये रहा सीताराम। सीताराम में भी ये गलती मत कर देना, कहीं आप 6 ले लो, 6 तो अप्लाइड कर रहा था, अलॉटेड कितने कर रखे हैं देखो, ये रे 4, तो 4000 ने आपको 40 रुपी फेल कर दिया, 40 रुपी की है आपकी फाइनल कॉल। माइनस करो 4000 इंटू करो 40, करोगे तो 1,60,000 तो हर इसने सीताराम ने फेल करा, ये माइनस होगा। उसके बाद हरनाम भी फेल करता है, हरनाम के कितने शेयर है 800 इंटू करो 40, ये रहा कितना बन जाएगा 32,000, ये भी माइनस होगा। इन दोनों को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 30,08,000 आएगा, क्लियर हो गया, ये रहा लिख दो 30,08,000। ये मनी आपको मिली है कब, फाइनल कॉल पर, या इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 4,800 शेयर्स। ये 4,800 शेयर कहां से लिखे हैं अच्छी तरह से नोट कर लो, ये रे सीताराम के 4,000 शेयर जो निकाले और 800 इसके, दोनों को क्या कर लिया, उनसे मनी नहीं मिली, 4,000 ये और 800 ये। अब करते हैं इन दोनों शेयरों को फॉरफिट, टोटल कितने बन गए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों शेयरों को फॉरफिट कर लिया ये रहा, और बाद में रीइश्यू कर दिया 100 रुपी में। या लिखो पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, याद रख लो कैंसिल हो रही है मेंबरशिप शेयर होल्डर की, जब भी शेयर दे रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, ध्यान करो एप्लीकेशन में भी शेयर कैपिटल क्रेडिट, जब हम दे रहे हैं शेयर मेंबर बना रहे हैं, आज हम उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, मीनिंग उससे शेयर वापसी आ रहा है ऐसे समझ लो, तो डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट आपको बताता हूं कितना आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा, कब डेबिट होगा जब फेल हो, दो शेयर होल्डर है दोनों ने फेल नहीं करा, खाली किसने फेल करा, सीताराम, तो खाली सीताराम के शेयर का आएगा यहां पर बस। यहां लिखो एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया वो लिख दो यहां शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू करो जो फेल हुआ, लिखो यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और टू करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझते जाओ, ये फॉरफीचर की एंट्री है याद रख लो, ये तो आएगा 4,800 टोटल शेयर हुए 100, कहां से आए अब आप समझ लो, इसके शेयर कितने हैं सीताराम के 4,000 जो ये निकाल लिए हमने फार्मूले से, अप्लाइड कभी नहीं लिखे जाएंगे याद रख लो, तो कितने शेयर अलॉट कर रखे थे इसको 4,000, हर नाम के कितने शेयर हैं 800, दोनों के शेयर कितने हो गए 4,008 इनटू करो 100, ये तो बन गया आपका 4,80,000, इसमें तो ये लिख दो। सिक्योरिटी प्रीमियम में गलती मत करना, ज्यादातर मिस्टेक हो जाएगी हमसे, 4,800 इनटू कर देंगे 20, वो नहीं लिखते, जिसने प्रीमियम फेल किया उसी का लिखते हैं याद रख लो, किसने फेल कर रखा है याद करो सीताराम ने, सीताराम के शेयर कितने हैं 4,000, हर नाम ने क्यों नहीं फेल करा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे कर रखी है, तो जिसने पे कर रखी है उसका नहीं आएगा यहां, जिसने फेल किया उसी का आएगा, इनटू करो इसको यहां 20 का प्रीमियम था, कितना बन गया 80,000, यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये फॉरफिटेड में अमाउंट चेक करो किसका आएगा,
देखो जो सीताराम है उसके सीधा 6000 शेयर की मनी आई हुई है कंपनी के पास, 4000 तो उसने एप्लीकेशन किए हैं और 2000 उसकी एक्स्ट्रा मनी आई थी, तो टोटल 6000 से मनी आई। 6000 इंटू 20 करें तो कितनी मनी उससे मिल रही है, 1,20,000, वो लिख दो, बहुत ध्यान से समझ लो ये क्लियर हुआ। और प्लस करो हरनाम ने क्या पे कर रखा है, 800 शेयर है। हरनाम ने दो चीजें पे कर रखी हैं, 20 और 60। टोटल अमाउंट पे करा उसने कितना, 80। 80 में से प्रीमियम हटाओ क्योंकि मिल गया तो 60 रुपी, तो 60 × 80 करें तो कितना बन जाएगा, 48,000। टोटल अमाउंट कितना मिल गया आपको, 1,68,000। ये चीज समझ आ गई, बहुत ध्यान से समझ लेना इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैसे कैलकुलेशन है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 120 कैसे आया, 6000 × 20 कर दो सीधा, या 4000 × 20 और प्लस करो जो उसके 2000 × 20, टोटल मिला के 6000 × 20 बनेगा, 120 हुआ। 48 कैसे आ गया, 800 × 60 करो तो 48, दोनों को मिलाए तो कितना आया, 1,68,000। ये क्लियर हो गया। अलॉटमेंट की बात करो, अलॉटमेंट तो अभी निकाल रखी है, कितने की फेल हुई थी, 2,00,000 रुपी, लिख दो 2,00,000 रुपी, क्लियर है ये तो अभी ये कर रखी वर्किंग। फाइनल कॉल की बात करो, अभी निकाली है फाइनल कॉल, यारी दोनों ने फेल कर रखी है, एक ने 160 एक ने 32, टोटल कितना हो गया, 1,92,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख लो 4,800 शेयर फॉरफिटेड। अब करते हैं इनको देखो री इशू कितने पे हुआ है, पूरे के पूरे पार पर 100 रुपी में री इशू गया, फुल्ली पेड अप। पहले तो एंट्री लिख लो आप, या लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा, कितने शेयर लिए आपने, 4200, ये लिखे वो लिख दो यहां पर 4200, ये रहा, इनटू करो 100 में री इशू है तो कितना अमाउंट आएगा, 4,20,000। अच्छा पार पर री इशू है तो कोई कंपनी ने डिस्काउंट नहीं दिया, तो यहां डेबिट में ज्यादातर हम शेयर फॉरफिटेड लिखते थे, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि 100 का शेयर था, 100 में ही री इशू हो गया। और यहां अब इसकी नरेशन बना दो, 4200 शेयर री इशूड, लिख दो एट रुपी 100 एज फुली पेड अप। अब देखो जो लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की थी, क्या लिखते थे, पहले एंट्री लिख लो यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा वो बहुत ध्यान से देखना, हमें फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए कितना, 4200 शेयर का, जबकि ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है ये देखो ये लिखा हुआ 168, ये कितने शेयर का है, 4800 का, क्योंकि हमने इतने ही फॉरफिट कर रखे हैं। अब वहां वर्किंग में चलते हैं, वहां पर निकालना पड़ेगा कि 4200 का फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा। यहां लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 4200 शेयर्स। अब ये जरा अच्छी तरह से आप ध्यान से देखना, ये 4200 शेयर का, हराम के कितने शेयर लिए हैं, फुल, तो इसका मतलब सीताराम के कितने शेयर लिए होंगे आपने, 3400। कैसे पता चला हमें, हमने कितने री इशू कर रखे हैं, 4200, क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें इंक्लूडिंग फुल शेयर ऑफ हरनाम, हरनाम का तो 800 शेयर का प्रॉफिट चाहिए। या लिख लो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 800 शेयर, ये तो आपको क्लियर ही दिख रहा है, और ब्रैकेट में ये भी कर लो हरनाम, जो क्लियर पता चल जाए किसका आया है। ये देखो ये पता चल रहा है, ये रहा ये फॉरफिटेड अमाउंट है, ये रहा ये दो जनों का था, एक का 120 और दूसरे का कितना है 48, इसका तो पूरा प्रॉफिट लिया जाएगा क्योंकि इसका तो सारे शेयर री इशू है, इसके प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पार्शियल री इशू है, इसके सारे शेयर री इशू नहीं करे। लिखो यहां पर 48,000, एक तो ये हो गया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ कितने शेयर का और चाहिए, 3400 का। कैसे पता चला, 800 तो इसके री इशू कर दिए, 4200 में से 800 को माइनस करो तो 3400, वो किसके शेयर लिए, सीताराम के। लिखो यहां पर फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 3400 शेयर्स। दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, ये रहा टोटल आपने 4200 शेयर थे जिसमें 800 तो हरनाम के है, तो बचे हुए शेयर किसके लिए, इसका मतलब हमने सीताराम के, ये भी लिख लो यहां सीताराम, चलो ये सीताराम के शेयर है 34, इसका प्रॉफिट कन्वर्ट होगा क्योंकि ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट आया हुआ है ये फॉरफिटेड अमाउंट मींस प्रॉफिट है, ये कितने शेयर का है, 4000 का। हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 34। क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड करो टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके लिए। 1,20,000 टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने थे सीताराम के, 4000, ये सीताराम का ही प्रॉफिट है जो उससे रिसीव्ड हुआ है, इनटू करो नंबर ऑफ री इशूड शेयर 3400। आप इसको करोगे तो 1,02,000 आ जाएगा, नोट कर लो, और टोटल आपके पास आ गया 1,50,000। ये प्रॉफिट आ गया जो गेन हुआ आपको, यहां लिखो अब इसको,
यहां लिख दो 1,50,000, ये हमारा कैपिटल रिजर्व है। दोबारा से रिपीट करते हैं, ध्यान से देख लो कैसे कैपिटल रिजर्व आया। ये जो प्रॉफिट लिखा हुआ है फॉरफिटेड अमाउंट, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, लेकिन ये दो जनों का प्रॉफिट है 1,68,000। अच्छा, सारे शेयर इशू नहीं हुए, हर नाम के तो सारे शेयर लिए हुए 800, तो इसका तो पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे यहां पर और लॉस माइनस कर देंगे जैसे रूल है। रूल क्या है, ये जो हम यहां लिखते हैं प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट लिखते हैं, और डिस्काउंट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो जीरो हो गया, सारा प्रॉफिट लो 4,200 शेयर का। 800 का तो प्रॉफिट ये देखो ये ले लिया 48,000, ये जितना आया था वही लिख दिया। अच्छा, जो दूसरा सीताराम के शेयर का प्रॉफिट है ये 1,20,000, ये कितने शेयरों का है 4,000 का, लेकिन इसके कितने शेयर रीइशू करे पार्शियल का रखे हैं 3,400। कैसे पता चला, टोटल 42 आपने रीइशू करे, उसमें फुल शेयर है हर नाम के, माइनस कर दो 800, तो 3,400 किसके ले रहे हैं, सीताराम के। यहां प्रॉफिट को कन्वर्ट करो, ये रहा 1,20,000 प्रॉफिट था कितने शेयर पर, 4,000 पर, इंटू करो जितने रीइशू कर रहे हो, 34 कर रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1,02,000 आएगा, दोनों का प्रॉफिट ऐड कर दो 1,50,000, ये प्रॉफिट आपका यहाँ आ गया। ये दिखा भी देता हूँ, ये रहा, और डिस्काउंट कितना दे रही है कंपनी, जीरो, तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा 150। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्वेश्चन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पार्शियल रीइशू का था इसके अंदर। नंबर दो, इसमें एक पॉइंट और नोट कराओ कि इसमें प्रीमियम नहीं बता रहा था कि प्रीमियम कितना है, खुद फाइंड आउट करना था। कैसे फाइंड आउट करना है, सबको ऐड कर लो, वो इश्यूड प्राइस से जितना ज्यादा आप कॉल कर रहे हो वो आपका प्रीमियम कहलाएगा। जैसे 120 कॉल कर रहे हैं हम टोटल, और फेस वैल्यू कितनी बता रहा था 100, तो 20 रुपी प्रीमियम। फिर पार्शियल रीइशू था तो कन्वर्ट कर लो। तो आज हमारा अब ये 92 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।